ये मेरे पास एक वेस्ट मटका रखा हुआ था, जिसमें कि हम पानी भरते थे तो वो निकल जाता था नीचे से। तो इसका मैं आज कुछ DIY बनाती हूँ, एक टेबल लैम्प बनाने का सोच रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें जो ये नल का ये लगा है वो निकालूंगी। इसमें होल हो रखा है तो ये मैंने इसमें से इसका टैप निकाल दिया। अब इसका टैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये एक रोल है फेविकोल, बाद में एक थ्रेड है और कुछ ब्रशेस, और ये एक फोम की शीट है। ये चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। बाद में मेरे पास एक ये लैम्प शेड पड़ा हुआ था, इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें होल रखा है, इसमें से हमने ये वायर डाल दिया। जहाँ से हमने टैप निकाला था वहाँ पे ये होल हमको मिल गया है, इसी में से हम ये वायर डालेंगे। अब ये प्लेट पे मैंने इस रोल को के नाप का एक होल कट करेंगे। तो हम सीजर से ये मैंने इसमें कट कर दिया है, ये आप देखिए एक सीजर से हमने इसमें होल किया है। बाद में इस रोल को हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे। तो सब इसमें रख के मैं इस रोल पे थ्रेड लगा दूंगी। इस पे थ्रेड पूरा लग गया है। अब हम इसके इस प्लेट पे फिर हम ये वाइट कलर पेंट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पे वाइट एक्रेलिक पेंट कर दिया है। I get lost inside my thoughts and when I start to think, ये हमने इसके अंदर ऊपर लगा दिया। और ये जो मटके का जो रेड बॉर्डर था उसको भी मैं वाइट कर देती हूँ, जिससे कि ये पूरा एक जैसा दिखे। So deep I bleed, I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm फोम शीट आती है जो हम लोग पैकिंग में, आपने देखा होगा पैकिंग में आती है ये, इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम होल्डर को फिक्स करेंगे। जैसे ये होल्डर है, इसके साइज़ का हम यहाँ पे कट करके इसको इसमें फिक्स करेंगे। अब इस प्लेट के अंदर से हम इस वायर को निकाल लेंगे। हम निकाल दिया मैंने वायर को, और इस प्लेट को हम फेविकोल से ऐसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये मैंने इसमें वायर डाल दिया है और ये इसमें फिक्स कर दिया है। अब इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये फेविबॉन्ड को यूज़ कर रही हूँ। इसको थोड़ा थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, तभी अच्छे से इस पर फिक्स हो जाएगा। अब ये लैम्प शेड जो मेरे पास पुराना लैम्प शेड पड़ा था, इसको मैं इस मटके संग मैच करने के लिए इसमें येलो कलर करूँगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर येलो कलर के फ्लावर्स हैं। तो मैं इसको मैच करते हुए इसमें ये येलो कलर करूँगी, ये वाला येलो कलर। मेरे पास ये फोम शीट है, इसको मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर करके इसको थोड़ा सा न्यू लुक दे देती हूँ। And I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down.
एक बार मैं आपको वापस से इसकी एक प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये पानी का मटका था, जो वेस्ट मटका, उसमें जो टैप लगा था वो मैंने निकाला। उसके बाद इसके सरफेस पे मैंने एक ये प्लास्टिक की प्लेट रहती है ना, वो मैंने इसमें लगाई। उसमें बीच में से होल करके उसमें ये एक रोल था मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप में, उसको मैंने कट करके उसमें फिक्स किया। बाद में इसमें मैंने थ्रेड से इसको पूरा कवर कर दिया। ऊपर से ये थर्माकोल की शीट आती है जो पैकिंग में आती है फोम की, उसके अंदर मैंने ये होल्डर को फिट किया और अंदर से वायर निकाल दिया। जो टैप था वो हटाने से वहाँ पे एक होल हो गया, उसमें से मैंने वायर डाला, यहाँ पे वो वायर आया। अब मैं ये इसको जो ये शेड है इसको मैं इसमें फिक्स करूँगी। इस तरीके से ये फिक्स हो जाएगा, इस तरह से फिक्स हो जाएगा ये। और बाद में ये बल्ब इसके ऊपर लगाएंगे, फिट करेंगे इस तरीके से। ये ऑन हो गया और आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, ये इसका फाइनल लुक है। Showing off, don't wanna hide.